हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आप मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे बनाने की उत्साह होती है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ एक आज नई रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे कमजोरी या थकान कमर दर्द हो तो इसको आप बना के खा सकते, बच्चे भी खा सकते, बूढ़े जवान जो भी मतलब खा सकता है। तो वही मैंने अपने बड़े बेटे की, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मेरे बड़े वाले बेटे की तबीयत नहीं ठीक थी, काफ़ी कमज़ोर हो गया उसको। एक ही दिन बुखार आया लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गया, तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़ा बना देती हूँ। तो स्कूल जाता है, मतलब ज़्यादातर बाहर ही रहता है, तो उसके लिए खाने एक अगर एक दो चार चम्मच खा लेगा तो उसके शरीर में एनर्जी टाइप पे आ जाएगी, उसकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। तो वही मैंने सारा इंतजाम करके रख लिया है। इसको मैंने कट किया, कट करना नहीं दिखाया क्योंकि कट करना सबको आता है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती दिखाती हूँ मैंने क्या क्या इसमें रखा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने छुहारे कट कर लिए हैं। ये छुहारा है, आधा किलो छुहारे हैं और 250 ग्राम गर्री, इसके मैंने भी लच्छे निकाल लिए हैं देखिए। और ये मैंने बादाम कट किए हैं, 250 ग्राम है। और ये काजू है, इसको भी मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीस में। और ये किशमिश है 250 ग्राम। ये मैंने 6-7 इलायची रख रखी है, इससे टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा। और ये है मखाने, और इसमें जो मेन पड़ता है कमर दर्द के लिए वो होता है गोंद, उसको मैंने धूप में डाल रखा है। उसमें मैं डालूँगी कम से कम 100 ग्राम सौंठ। तो इस सबको मैं अभी घी में भूनूंगी, ये मखाना है, ये सब हल्का हल्का फ्राई करूंगी। और फिर और 1 केजी खोया है, उसको डाल के मैं पूरा ये तैयार करूंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए मैं इसमें क्या डालती हूँ, जो इससे कमर और थकान हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी समझ में आएगा मैंने इसमें क्या क्या डाला है। तो चलिए बने रहिए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे का। लोगों को सारा सामान दिखा दिया है और जब आप लोग मेरे पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा इसमें मैंने क्या खास चीज़ डाली है, जिससे कमर और हड्डियों का जोड़ के दर्द में राहत मिलती है। तो चलिए ये सब चीज़ अभी मैं इसको घी में हल्का हल्का फ्राई करूँगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को पता लगेगा कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। और जो मैंने कट किया है आप सबको पूरा दिखा दिया है, और मखाना मेरा अभी पन्नी में रखा हुआ है, और जो चीज़ इसमें खास पड़ेगी वो मैंने धूप में रखी है। तो चलिए मैं पहले सौंठ को पीस लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, दिखा देती हूँ सौंठ। मैंने 100 ग्राम सौंठ थी उसको पानी में भिगो कर रखा है कि जल्दी से मिक्सी में पीस जाएगी। तो चलिए बने रहिए और मैं दिखाती हूँ। और अगर ये अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज उनसे मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में मेरे और मैं दिखाती हूँ क्या बनाऊँगी। पहले ये जो मैंने इलायची रखी इसको कूट लेती हूँ, इसके दाने निकाल के इसमें डालूंगी तो इसका टेस्ट स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बने रहिए, मिलती हूँ हम लोग को थोड़ी देर में। देखिए मैं सौंठ के साथ इसमें जीरा अजवाइन मिला रही हूँ, ये भी फायदेमंद होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ इसे सर्दी में। ये है सौंठ 100 ग्राम, इसका मैंने रात में भिगो के रखा था, ये पीसने में आराम रहेगा। चलिए इसको मैं पीस लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए मैंने इसको तेल में तल लिया है, ये लावे जैसे दाने बन गए हैं। ये देखिए मैंने गैस चढ़ा दिया है, इसमें डाल दूंगी घी। ये
मैंने घी डाल दिया इसमें और मैं ये भूज लेती हूँ। तीनों चीजें हल्का सा फ्राई कर लूंगी। देखिए मैंने इसको तल दिया है बिल्कुल जैसे लावा टाइप में नहीं होते बड़े वाले साबुदाना वैसे फूल गया पूरा। और इसको मैं घी में हल्का फ्राई कर दूंगी। और ये देखिए मैंने सब घी में फ्राई करके रख दिया है। देखिए ऊपर वो काजू बादाम किसमें फड़ा हुआ और नीचे लावे जैसे हैं जो मेन इसका पार्ट है। और ये गरी और छुहारे और ये रहे मखाने हैं। और जिसमें सबसे बढ़िया स्वाद और फ्लेवर लाता है वो है इसका मसाला। आप सादा भी बना सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब ये मसाला डालेंगे ना तो इसका स्वाद अलग ही होता है खाने में। मतलब वो मीठापन नहीं होगा, मतलब एक हल्की धीमी सी मतलब अच्छी सी खुशबू और खाने का टेस्ट बदल जाता है। ये मैं इसको धीमी आंच पे भून लेती हूँ फिर इसमें खोया चीनी डाल के मिलाऊंगी। तो मेन इसमें स्वाद यही लाता है जो शरीर को मजबूती भी देता है। ये मेरी दादी और नानी के जमाने के नुस्खे हैं कमजोरी को दूर भगाने का। तो चलिए मैं बना रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर मसाला भून लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए ये खोया रखा हुआ है, ये सब मैंने भून के रखा है। यहाँ पे मसाला भून रही हूँ, इधर मैंने चीनी चढ़ा दिया इसकी चाशनी। इसको सारा मिक्स करके बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड मैं इतनी मेहनत से इसको सब बना रही लगी हूँ। तो एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट दोनों सब बनता ही है। और आप लोगों के साथ मैंने एक एनर्जी और हेल्दी और शरीर की कमजोरी दूर भगाने के लिए मैंने अपने बड़े बेटे के लिए बनाया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि सकता आप लोगों के लिए हो सकता हो क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। और देखिए मेरा चाशनी हो चुका है, मैंने उसमें खोया और मसाला डाल दिया। अब मैं इसको सब मिला देती हूँ। कढ़ाई मेरी छोटी तो थोड़ी समस्या हो रही है मिलाने में, इसी बात नहीं। तो मैंने इसमें डाल दिया है इसको थोड़ा इसमें डाल दिया।
इसको पकड़कर मिलाती हूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा, और मैं गेट खोल के आ चुकी हूँ, मैं इसको फटाफट मिला लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये मिला दिया, आधा इसमें कर दिया है क्योंकि मेरे पास कढ़ाई बहुत छोटी थी, तो मैंने दो में डिवाइड कर दिया आधा आधा। तो इसको मिला के रखूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। और पहले ढेर सारे बर्तन इनको समेटूँगी। देखो एक दो चार बर्तन ये हो गए, दो कढ़ाई, दो कड़छी, चमचा, ढेर सारे, इनको साफ कर लेती हूँ। और ये मेरा बनकर रेडी हो चुका है। मैं गैस बंद कर देती हूँ, ऐसा को साफ करके फिर आप लोगों से मिलूंगी। और ये देखिए मेरा बनकर रेडी हो चुका है सब। देखिए देखने में कैसा लग रहा है, आइए आप लोग भी हमारे साथ खा के देखिए कैसा बना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग भी एक बार बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि ये ताकत का बिल्कुल खजाना समझिए इसको। कमजोरी, खून की कमी, कमर दर्द सबके लिए रामबाण है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिए अगर, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। और तो चलिए मेरा ये वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा बना था। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी।